नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ अपने न्यूली स्टार्टेड सीरीज यानी कि हर अथॉरिटी की प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए, या हर अथॉरिटी में किस किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन होती है, उस पर जो मैंने अपनी नई सीरीज स्टार्ट की है उसी के पार्ट टू को लेकर के आई हूँ। और आज हम जो अथॉरिटी पिकअप करने वाले हैं वो है LNDO यानी कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस, दिल्ली का जाना माना अथॉरिटी। दिल्ली की बड़ी प्रॉपर्टीज़, प्रीमियम इलीट प्रॉपर्टीज़ इसी अथॉरिटी के अंदर आती हैं, तो आज हम इसी अथॉरिटी की बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोस आपसे मिस ना हो और उनका जो अपडेशन है, नोटिफिकेशन है, वो इमीडिएटली आपके पास आ सके। उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं LNDO लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की, और इसके अंदर बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो इंक्लूड होती हैं, जैसे कि कनॉट प्लेस नई दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ की काफ़ी प्रॉपर्टीज़, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ LNDO के अंडर हैं। देन इसके अलावा करोल बाग हो गया, पहाड़गंज हो गया, और जो पुरानी जो दिल्ली हो गई उसके जो इलाके हैं, लाजपत नगर है, तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये LNDO के अंडर हैं। और LNDO दिल्ली की सबसे पहली, एक तरह से कह सकते हैं कि जब आज़ाद भारत हुआ उसके बाद दिल्ली की सबसे पहली अथॉरिटी थी। इससे पहले दिल्ली में जो अथॉरिटी हुआ करती थी अंग्रेज़ों के टाइम में, वो हुआ करती थी दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जिसे DIT कहा जाता है। तो दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ जो हैं पहाड़गंज के इलाके में हैं। तो दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को बाद में DDA ने टेक ओवर कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि DDA पनपे, दिल्ली में बहुत सारा इन्फ्लक्स था रिफ्यूजीज़ का, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो मैक्सिमम रिफ्यूजीज़ जो थे दिल्ली में आए और रहने की जगहों की कमी हुई, तो लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस का क्रिएशन किया गया था कि किस तरह से लोगों को ज़मीनें दी जा सके, किस तरह से हाउसिंग सोसाइटीज़ का गठन हो सके, लोगों को बसाया जा सके। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की ज़रूरत थी और उसके तहत LNDO का गठन हुआ था। तो LNDO में जो दोस्तों प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उनके हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो LNDO की ऑलमोस्ट 100% प्रॉपर्टीज़ में आप कह सकते हैं कि सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर और पोजेशन लेटर होता ही होता है, और जिस व्यक्ति के नाम पे अलॉटमेंट और पोजेशन लेटर होता है उसी व्यक्ति के नाम पे अमूमन लीज डीड भी होती है। अगर अलॉटी के नाम पे लीज डीड नहीं है तो अलॉटी और इस लीज डीड होल्डर यानी कि जिस व्यक्ति के नाम पे लीज डीड है उनके बीच में GPA की चेन यानी कि GPA जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल ATS, और विल यानी कि वसीयतनामा, ये तीन डॉक्यूमेंट ज़रूर होने चाहिए। और फिर फाइनली जिस व्यक्ति के नाम पे लीज डीड है वो लेसी हो जाता है। अब इसके बाद इसकी चेन वैसे सिमिलर है DDA से ही, जो मेरा पिछला वीडियो था आप उसे भी रेफर कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि लीज होल्डर जो है आगे जब अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है दिल्ली में, तो जनरली लीज होल्डर सेल डीड नहीं कर पाता है और वो हमेशा जो उसने जो भी ट्रांसफ़र्स किए होंगे वो एग्रीमेंट टू सेल, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और वसीयतनामा यानी कि GPA, ATS और विल के थ्रू ही अगले व्यक्ति को वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है। तो यानी कि फाइनली जब तक कि प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं हो जाती है यानी कि कन्वेंस डीड नहीं हो जाती है, तो लेसी से लेकर कन्वेंस डीड होल्डर के बीच में जो भी चेन आएगी वो GPA, ATS, विल की आएगी। यानी कि सपोज कीजिए A जो है वो लेसी है, उसके नाम पे लीज डीड है, और वो B को आगे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तो वो B के नाम पे GPA, ATS, विल करेगा। इसी तरह से B C के नाम पे GPA, ATS, विल करेगा। अब सी ने अगर अपनी प्रॉपर्टी को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में कन्वर्ट करवा लिया तो सी के नाम पे कन्वेंस डीड आ जाती है, और फिर कन्वेंस डीड होने के बाद कन्वेंस डीड होल्डर को राइट मिल जाता है कि वो आगे अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है तो वो सेल डीड या फिर गिफ्ट डीड, रजिस्टर्ड सेल डीड और गिफ्ट डीड के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उसके बाद की जो चेन आती है वो रजिस्टर्ड सेल डीड या गिफ्ट डीड की आती है।
ऐसे में अगर फ्लोर सेल होती है तो अगेन कन्वेंस डीड तक हमेशा पूरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आते हैं, और जब आप पूरी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, पूरा प्लॉट खरीदने वाले हैं, तो आप सारे पीछे की चेन जो है ओरिजिनल रखेंगे। लेकिन वहीं अगर आप उस पूरी प्रॉपर्टी में से, उस पूरी बिल्डिंग में से एक फ्लोर खरीद रहे हैं, तो ऐसे में आपको ओरिजिनल सिर्फ उस फ्लोर के डॉक्यूमेंट मिलेंगे, और जो एंटायर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो पिछले ओनर के पास ही रह जाते हैं, क्योंकि उसे अपनी उस प्रॉपर्टी के बाकी फ्लोर्स भी बेचने होते हैं। ऐसे में अगर आप डायरेक्टली उस ओनर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसके पास एंटायर प्रॉपर्टी है और पिछले डॉक्यूमेंट्स की पूरी चेन है, तो आप ज़रूर से ये एहतियात बरतें कि आप जो फ्लोर खरीद रहे हैं, सपोज आप बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर खरीद रहे हैं, तो उस पिछले ओनर की कन्वेंस डीड पे एटलीस्ट आप, और जो ओनर है, जो आपका सेलर है, उसके नाम पे जो सेल डीड है, इन दो डॉक्यूमेंट्स पे आप जरूर से इसके बैक साइड में एंडोर्समेंट कर दें, अपने हाथ से लिख दें कि फर्स्ट फ्लोर जो है इस प्रॉपर्टी का वो आपको बेचा जा चुका है, और फर्स्ट फ्लोर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। तो ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। नीचे अपना साइन करके डेट ज़रूर डाल दें कि किस डेट में आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, किस सेल डीड के थ्रू खरीदी, अपनी सेल डीड की डिटेल्स भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो फ्लोर है सेफ रहेगा, एंटायर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स यूज करके आपके फ्लोर को वो दोबारा कहीं बेच नहीं सकते हैं या फिर कहीं गिरवी नहीं रख सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है LNDO की प्रॉपर्टीज़ में दोस्तों, वो है कि आजकल रिसेंटली अभी LNDO का नोटिफिकेशन आया है, और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी LNDO की प्रॉपर्टी में अगर ट्रांजैक्शन होती है और उस प्रॉपर्टी की जो कन्वेंस डीड है, यानी कि फ्री होल्ड डीड अगर LNDO की प्रॉपर्टी की फरवरी 2000 से बाद की है, तो फिर हर ट्रांजैक्शन के लिए LNDO से NOC लेना अनिवार्य है, NOC लेना कंपलसरी है। ये NOC ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता है। इसका नोटिफिकेशन अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए डाल भी दिया है, अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन। अदरवाइज आप LNDO की साइट पे जाकर के, दैट इज LDO.gov.in, तो इस साइट पे जाकर के इस NOC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी है तो आपको NOC लेना अनिवार्य है, अगर आपकी कन्वेंस डीड फरवरी 2000 के बाद की है। और अगर आप ये प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी रख करके लोन लेना चाहते हैं, मॉर्गेज करना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को, तो भी ये NOC रिक्वायर्ड है, और उस केस में भी बैंकर NOC लेंगे, तभी आपको LNDO की प्रॉपर्टी पे लोन मिल सकता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना होगा कि LNDO की प्रॉपर्टी में आप सीधा एग्रीमेंट ना कर लें, पहले पता कर लें कि उस प्रॉपर्टी को लेकर के NOC आ रहा है या नहीं आ रहा है, NOC मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, उसके बाद ही आप उस प्रॉपर्टी में बयाना दें या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी पैसा अनेस्ट मनी में दे दें, बयाने में दे दें अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और जब आप रजिस्ट्री कराने जाएं तो सब रजिस्ट्रार आपकी प्रॉपर्टी की सेल डीड रजिस्टर्ड करने से मना कर दें अगर आपके पास NOC नहीं होगा तो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि LNDO की प्रॉपर्टी में आपको ये NOC लेना है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि दिल्ली में LNDO की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी केवल लीज होल्ड ही हैं, फ्री होल्ड हुई ही नहीं है। तो ऐसे में इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को खरीदना आप अवॉइड करें, क्योंकि लीज होल्ड जो प्रॉपर्टी है दिल्ली में उसकी मार्केटेबिलिटी अच्छी नहीं है, उसे खरीदना बेचना बहुत मुश्किल है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी की सेल डीड होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम होता है। सेल डीड जनरली दिल्ली में लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ की नहीं होती है, तो वो आपको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ATS और विल के थ्रू ही अपने नाम पे लेना होगा। ऑल दो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2011 का जजमेंट है सूरज लैम्प्स केस में, जिसमें कि स्पेसिफिकली कहा गया है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ली हुई प्रॉपर्टी जो है वो आपको एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं देगी, वो आपको मालिकाना हक नहीं देगी, आप केवल पिछले ओनर के अटॉर्नी यानी कि एजेंट कहलाएंगे और आप कभी भी उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं कहलाएंगे। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदना एक रिस्की काम है। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर के, कि इसमें आपको क्या पावर्स मिलती हैं, कितना रिस्क है, तो आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। मैं आई बटन में भी कुछ वीडियोस के लिंक्स डाल दूंगी ताकि आप रेफर कर सकें कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की जो ट्रांजेक्शन है वो रिस्की ट्रांजेक्शन क्यों है। बट मेरी आप लोगों से जो एक सलाह है वो यही है कि जनरल अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी LNDO की आ रही है,
तो आप उसे खरीदना अवॉइड करें, उसे ना खरीदें। और जो प्रॉपर्टी में कन्वेंस डीड हो गई हो, उसमें कन्वेंस डीड ऑलरेडी है, फ्री होल्ड डीड जिसे कहते हैं, और उसके बाद आपके नाम पे रजिस्टर्ड सेल डीड हो रही है, तभी उस प्रॉपर्टी को खरीदें। दूसरी एक जो कई बार इश्यूज आते हैं कि LNDO ने सपोज फ्लैट बेचा है किसी व्यक्ति को और फ्लैट की ही कन्वेंस डीड है, और दिल्ली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने फ्लैट के ऊपर एक और फ्लैट बना करके बेचते हैं और बोलते हैं कि उन्हें रूफ राइट्स हैं, लेकिन DDA या LNDO की किसी भी प्रॉपर्टी में अगर फ्लैट बेचा गया है तो रूफ राइट्स नहीं दिए जाते हैं, और ऑब्वियसली अगर रूफ राइट्स नहीं हैं तो वो उसके ऊपर एक और फ्लैट या फ्लोर बना के नहीं बेच सकते हैं, और अगर कोई ऐसा आपको बेच रहा है तो वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है जिसे कभी भी तोड़ा जा सकता है, डिमोलिश किया जा सकता है। तो इस तरह की फ्रॉड ट्रांजैक्शन से आप बचें, और अगर आपको फिर भी लगता है वो व्यक्ति आपको बार बार बताता है कि नहीं उसको रूफ राइट्स थे, तो आप उससे सैंक्शन प्लान ज़रूर मांगें ऊपर के फ्लोर का, और DDA की या LNDO की परमिशन भी मांगे कि ऊपर का फ्लोर बनाना आप उसको अलाउड था और उस परमिशन के तहत ही उसने वो फ्लोर बनाया है, जो कि ऐसा नहीं मिलेगा क्योंकि उन्हें कभी वो ऊपर का फ्लोर बनाना अलाउड ही नहीं था। ऊपर का फ्लोर केवल वही लोग बेच सकते हैं जिन्हें पूरा प्लॉट अलॉट हुआ था और उन्होंने पूरा प्लॉट खरीदा था, तो वो कई फ्लोर बना के उसमें से एक आध फ्लोर आपको बेच सकते हैं, लेकिन जिसने फ्लैट खरीदा था, चार दीवारी खरीदी थी, वो उस फ्लैट के आगे पीछे का या ऊपर का पोर्शन नहीं बेच सकता है, वो लीगली अलाउड नहीं है, और वो आपके लिए एक बहुत बड़ी रिस्की ट्रांजैक्शन होगी। इस तरह की ट्रांजैक्शन में आप हाथ ना डालें और अपना पैसा ना फंसाएं। इसके अलावा भी अगर LNDO की प्रॉपर्टीज़ को लेकर के आपकी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।